हेलो दोस्तों, आई एम सार्थक एंड यू आर वॉचिंग बियॉन्ड लिमिट्स। सो लास्ट वीडियो के बाद काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि उन्हें अमीनो एसिड्स पे पर्टिकुलरली दिक्कत आ रही है एंड उन्हें उस पे पर्टिकुलरली वीडियो चाहिए। सो यहाँ पे मैं अमीनो एसिड्स की एक बहुत सिंपल सी विद स्ट्रक्चर्स याद करने की आपको ट्रिक बताऊंगा। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन अमीनो एसिड्स का तो गलत नहीं होगा, ना ही जेई मेन्स में ना ही जेई एडवांस में। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो जनरली वी हैव 20 अमीनो एसिड्स, जिनमें से 10 एसेंशियल होते हैं एंड 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। तो हमें ये भी याद रखना जरूरी है कि 10 कौन से एसेंशियल हैं एंड 10 कौन से नॉन एसेंशियल हैं। तो वो जनरली मैं इसी तरीके से याद करवाऊंगा आपको कि आपको 10 एसेंशियल अलग याद हो जाएंगे एंड 10 नॉन एसेंशियल अलग याद हो जाएंगे। एंड द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमीनो एसिड इज दिस, जिसमें कार्बन से एक NH2 ग्रुप बॉन्डेड रहता है, देन वी हैव अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन वी हैव अ हाइड्रोजन, और जो ये एक्स है वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि बॉन्डेड रहते हैं कार्बन से। तो नाउ स्टार्टिंग विद एसेंशियल अमीनो एसिड्स, इनको याद करने की ट्रिक है PVT, टिम हॉल, TIMHALL। सो यहाँ पे PVT स्टैंड फॉर प्राइवेट टिम हॉल। सो अपन इसे एक ऐसी एनोलॉजी के साथ याद कर सकते हैं कि टिम नाम का बंदा है जिसका कोई प्राइवेट हॉल है, तो उस हॉल का नाम क्या होगा? प्राइवेट टिम हॉल, दैट इज PVT टिम हॉल। तो अब आते हैं इनके नाम्स। तो देखो नाम तो ऐसा है दोस्तों कि आपको कैसे ना, जितनी बार आप इनके स्ट्रक्चर्स बना बना के देखोगे कहीं ना कहीं नाम्स तो याद हो ही जाएंगे, बट जो दिक्कत मेन आती है वो आती है इनके स्ट्रक्चर्स को याद करने की। तो अपन मेजरली उन पे फोकस करेंगे। सो यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर फिनाइल एलेनाइन। एंड जनरली अमीनो एसिड्स में हम ग्लाइसिन और एलेनाइन दो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनके स्ट्रक्चर्स कहीं ना कहीं सभी बच्चों को याद रहते ही हैं। ग्लाइसिन में एक हाइड्रोजन आता है एंड इन एलेनाइन वी हैव अ CH3 ग्रुप। सो फिनाइल एलेनाइन स्टैंड्स फॉर वी हैव अ फिनाइल व्हिच इज विद अ CH2 ग्रुप। सो एलेनाइन तो हमारे पास है ही, दैट इज CH2 CH3, पर हमने उसका एक एच निकाल के उसके आगे फिनाइल जोड़ लिया, तो सिंपली ये PH CH2 बन गया। नाउ कमिंग ऑन टू वी विच इज वैलीन। तो वैलीन में इसका स्टार्टिंग लेटर है वी, एंड कहीं ना कहीं जो वैलीन का स्ट्रक्चर होता है वो भी वी रिप्रेजेंट करता है, दिस वी, बिकॉज वी हैव अ कार्बन जिसके साथ दो मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड है एंड जो उसका अगली वैलेंसी है वो मेन जो पेरेंट कार्बन चेन है उसके साथ बॉन्डेड है। तो दो CH3 ग्रुप्स विद अ कार्बन, तो ये हो गया वी टाइप का स्ट्रक्चर एंड इसलिए कहीं ना कहीं आसानी से हमें याद रह जाता है, तो दैट इज वैलीन। नाउ कमिंग ऑन टू टी वी हैव 309। सो 309 स्टैंड्स फॉर मतलब इसको इसको याद करने के लिए इसके नाम में ही है, दैट इज 3O। सो जनरली अगर हम देखें तो जो मेन स्ट्रक्चर होता है का अमीनो एसिड का उसमें दो ओ तो आती ही है, दैट इज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इसके नाम में क्या आ रहा है 3O। सो वी हैव अपन को एक और ओ इंट्रोड्यूस करना है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो OH हमने इंट्रोड्यूस कर दिया इन CH3। थोड़ा सा लेम है बट हाँ, मतलब 309 स्टैंड्स फॉर कि अपने पास दो तो उधर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ओ ऑक्सीजन आ गए, देन हम एक इस कार्बन से ऑक्सीजन OH जोड़ देंगे, देन अ मिथाइल ग्रुप उसी कार्बन से हम जॉइन कर देंगे। नाउ कमिंग ऑन टू टिम, वी हैव T फॉर ट्रिप्टोफैन। सो देखो दोस्तों, ट्रिप्टोफैन की स्पेलिंग ही बहुत गंदी है एंड इसका प्रोनंसिएशन भी कोई काफी अच्छा नहीं है, तो मैं तो इसको एक गंदे स्ट्रक्चर की तरह याद रखता हूँ। तो गंदा स्ट्रक्चर मतलब क्या कि रिंग्स होगी, तो इट हैज टू रिंग्स। अब रिंग है तो एक 5 मेंबर रिंग और एक 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर रिंग है तो मोस्ट प्रोबेबली वो बेंजाइल रिंग हो गई, तो ठीक है 6 मेंबर बेंजाइल रिंग हो गई। देन 5 मेंबर रिंग है तो 5 मेंबर रिंग विद अ नाइट्रोजन विद अ NH। तो अगर नाइट्रोजन विद एच है तो इसके साथ कभी भी डबल बॉन्ड तो हो नहीं सकता, तो सिंपली स्ट्रक्चर बन गया कि हमने एक 6 मेंबर रिंग बनाई, देन एक 5 मेंबर रिंग बनाई, नाइट्रोजन विद एच है और रिंग के अंदर है तो डबल बॉन्ड हो नहीं सकता, इसलिए बाकी एक जो बचा वो कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड जोड़ दिया एंड देन वी हैव अ CH2 दैट इज बॉन्डेड टू द मेन स्ट्रक्चर। सो ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं याद हो गया, दो रिंग्स, एक बेंजाइल वाली, 5 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन जुड़ा है, नॉट विद अ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे लगा दो और ज्वाइन कर दो, तो सिंपल है। नाउ मूविंग ऑन टू आई। सो आई स्टैंड्स फॉर आइसोल्यूसीन, एंड आइसोल्यूसीन का स्ट्रक्चर अगर अपन ध्यान से देखें तो ये एक एल की तरह दिखता है हमें, तो आइसोल्यूसीन का नाम जैसे आता है तो हमें स्ट्राइक होना चाहिए एल।
तो एल हम सिंपली एल बनाएंगे। बस इसमें एक चीज ध्यान रखने की कि ये सी एच थ्री किस कार्बन से बॉन्डेड है। हमें यहाँ पे इसको सी एच टू करके इधर सी एच थ्री नहीं जोड़ना है, ये सी एच थ्री बॉन्डेड है फर्स्ट कार्बन से, जिससे बाकी पूरा स्ट्रक्चर बॉन्डेड होने वाला है। तो बस ये ध्यान रखना है कि ये सी एच थ्री इस वाले कार्बन से बॉन्डेड है, बाकी सिंपल एक एल बनाना है जो कि काफी सिंपल है। नाउ मूविंग ऑन टू एम, एम से वी हैव मिथायोनाइन, एंड इसके नाम पे अगर अपन फोकस करें तो थायो एक वर्ड आ रहा है, एंड थायो वर्ड जनरली स्टैंड्स फॉर सल्फर, जनरली सल्फर के लिए अपन यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इसको याद करना है, स्लैंग है कि मिथाइल ब्लॉक्ड सल्फ्यूड्राइन। सो मतलब मिथाइल है, यहाँ पे एक बॉन्ड मिसिंग है, सॉरी फॉर दैट, एक मिथाइल है जिसने सल्फर को ब्लॉक कर रखा है। तो वी हैव CH2 CH2 S CH3, तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसमें एक सल्फर है जिसको एक मिथाइल ने ब्लॉक कर रखा है, तो मिथायोनाइन तो हमें उसके नाम से याद हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू हॉल, तो हॉल में फर्स्टली वी हैव एच, एंड एच स्टैंड्स फॉर हिस्टिडीन। तो हिस्टिडीन भी एक अनादर ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग है एंड 2 नाइट्रोजन आएंगे। तो अब देखो, 2 नाइट्रोजन आएंगे तो दोनों एनएच तो नहीं होंगे, थोड़ी वैरायटी रखते हैं, तो एक नॉर्मल एन हो गया, देन एक एनएच हो गया। तो अगर एनएच है तो उससे तो अपन डबल बॉन्ड बना नहीं सकते, एंड जो एन है उससे डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो जो एन है उससे डबल बॉन्ड बना, जो एनएच है उससे मत बना, तो एक और बना दिया, और एरोमेटिक तो हमें बनाना ही है। तो सिंपल है, 5 मेंबर ड्रिंक, 2 N जोड़े हमने, आसपास जोड़ेंगे नहीं हम, 2 N जोड़े हमने, एक NH एक नाइट्रोजन, जो N के पास H नहीं था उससे डबल बॉन्ड जोड़ेंगे नहीं हम, और जिस N के पास H नहीं है उससे डबल बॉन्ड जोड़ दिया, तो सिंपल स्ट्रक्चर बन गया हिस्टिडीन का। सो ये भी काफी इजी है। एंड देन मूविंग ऑन टू ए, दैट इज आर्जिनाइन। सो देखो दोस्तों कि आर्जिनाइन की स्पेलिंग में काफी बार N आता है, ये भी थोड़ा सा लेम है बट ठीक है कि आर्जिनाइन की स्पेलिंग में 2 बार एन आ रहा है। तो आर्जिनाइन के स्ट्रक्चर को हमें कैसे याद रखना है कि कार्बन बनाओ पहले, तो देन डबल बॉन्ड एनएच जोड़ो, देन एक NH2 जोड़ो, फिर एक और एनएच जोड़ो। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, तीन अपन को नाइट्रोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस करने हैं। तो कार्बन लिया, देन हम डबल बॉन्ड एनएच जोड़ रहे हैं उससे, देन एक NH2, देन एक NH, एंड देन उसके बाद एक थोड़ी सी बड़ी सी कार्बन चेन होती है। तो हमने क्या कर दिया, CH2, हम क्या आलसी है, तो हमने क्या कर दिया, CH2 3 करके उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। और आर्जिनाइन हमने देख लिया कि सिंपली हम कार्बन है, देन डबल बॉन्ड एनएच इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक NH2 ग्रुप, देन NH, एंड देन CH2 जो कि 3 है, तो हम लोग CH2 3 लिख देंगे, हम आलसी हम पूरा लिखेंगे नहीं। सो ठीक है, आर्जिनाइन में कहीं ना कहीं सिंपल ही है, 2 N आ रहे हैं तो हमने 3 नाइट्रोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, और हमें मालूम ही कैसे इंट्रोड्यूस करना है, एक डबल बॉन्ड के साथ कर दिया। मतलब सारी वेराइटी में देखो, एक डबल बॉन्ड के साथ है, एक सिंपल प्राइमरी अमीन है, एंड देन वी हैव अ सेकेंडरी अमीन, और एक डबल बॉन्ड के साथ है, तो ठीक है मतलब याद हो जाएगा। देन मूविंग ऑन टू एल, एल स्टैंड फॉर लाइजीन। तो लाइजीन और लेजी कहीं ना कहीं थोड़े सिमिलर साउंड करते हैं ना, तो सिंपली इसका स्ट्रक्चर भी वैसा है, इसका स्ट्रक्चर सिंपल है पर बड़ा है, और इसलिए हमको इसको बनाने में बहुत आलस आता है। तो हम क्या करते हैं, CH2 4 लिख के उससे एक NH2 जोड़ देते हैं, हम 4 CH2 लिख नहीं रहे, हम बहुत लेजी है। तो सिंपली लाइजिन का स्ट्रक्चर क्या है, CH2 4 CH2 ग्रुप्स हैं विद NH2 बॉन्डेड विद देम। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है अगेन लाइजिन का, 4 CH2 विद NH2 बॉन्डेड। नाउ मूविंग ऑन टू ल्यूसीन, तो ल्यूसीन क्या है, जो अपने अपन ने वैलीन पढ़ा था उसका ही भाई है। तो उसका भाई कैसा है, इन द सेंस अपने ने पढ़ा था कि वैलीन में क्या होता है, एक वी होता है कार्बन विद 2 मिथाइल ग्रुप, तो इधर भी कुछ वैसा ही है, कार्बन विद 2 मिथाइल ग्रुप, बस एक CH2 हमारे पास और ऐड हो गया है। तो सिंपल सा इसका भी स्ट्रक्चर है कि CH2, बस हमें एक CH2 ऐड करना है, देन CH, देन CH3 CH3। सो ये थे एसेंशियल अमीनो एसिड्स, आई होप आपको इनके स्ट्रक्चर याद हो गए होंगे। सिंपली एक बार वापस देख लें, तो PVT टिम हॉल स्टैंड फॉर ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दैट इज प्राइवेट टिम हॉल, एक टिम नाम का बंदा है जिसका कोई प्राइवेट हॉल है। नाउ हम मूव करते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स पे। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद करने की ट्रिक तो और ही ज्यादा सिंपल है, दैट इज गा 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 सुप्रीम कोर्ट टाइपो। तो थोड़ा लेम है बट ठीक है, गा। नाउ फ्रॉम जी वी हैव ग्लूटामिक एसिड, एंड ग्लूटामिक एसिड देखो एसिड तो आ ही रहा है, तो इट्स जनरल कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो लाना ही है, एंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर जी ए से बाद में आता है, तो जी थोड़ा बड़ा हो गया,
ऐसा मान सकते हैं। तो इसलिए जी में दो कार्बन आएंगे, सॉरी फॉर द एरर हियर, ये एच टू ओ नहीं है, कार्बन है। सो वी हैव CH2 CH2 एंड COOH। तो ग्लूटामिक एसिड स्टैंड फॉर CH2 CH2 COOH, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। एसिड आ रहा था तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड तो लगाना ही था। अब ऐसे दो स्ट्रक्चर होते तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे स्पार्टिक एसिड अगला स्ट्रक्चर है जिसमें CH2 COOH है, तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसिड दो आ रहे हैं, दो स्ट्रक्चर्स में आ रहे हैं, तो कौन सा ग्लूटामिक है कौन सा स्पार्टिक है। तो सिंपली ए के बाद जी आता है, तो जी को थोड़ा हाई प्रेफरेंस देंगे एंड इसलिए उसमें एक CH2 और लगा दिया, सिंपल। तो इसी ऐसे हमें स्पार्टिक एसिड भी याद हो गया। एंड देन वी हैव ग्लूटामाइन, फ्रॉम अगेन जी वी हैव ग्लूटामाइन। तो सिंपली ऐसे याद रखना है कि ग्लूटामिक एसिड क्या था, कि CH2 CH2 COOH था ना, तो अब यहाँ पे COOH की जगह CONH2 कर दो, अमाइड ग्रुप कर दो, एंड यहाँ पे ये नाइट्रोजन वाली बॉन्ड नहीं रहेगा, ये CH2 से बॉन्डेड रहेगा। तो वी हैव ग्लूटामाइन दैट इज CH2 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2, एंड यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी पहले से फुल है, तो ये कुछ एरर है, बाकी यहाँ से हमारा CH2 से बॉन्डेड रहेगा। देन अगेन वी हैव ए दैट इज एस्पार्जिनाइन, एंड एस्पार्जिनाइन सिंपल वापस से अपन को वही रिपीट करना है, CH2 C डबल बॉन्ड ONH2, एंड मतलब वही कि OH की जगह अपन NH2 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ये भी काफी सिंपल ही है। एंड नाउ हमारी गा 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 वाली तीन वाली सीरीज कंप्लीट हो गई है। एंड नाउ कमिंग ऑन टू सुप्रीम कोर्ट टाइपो। तो सुप्रीम कोर्ट में हमें एस लेना है सुप्रीम का, एंड कोर्ट का सी लेना है, टाइपो का TY लेना है, एंड PO लास्ट प्रोलीन को रिप्रेजेंट करेगा। तो फ्रॉम एस वी हैव सेरीन। अब देखो दोस्तों, जो SC है ना, SC दो बहुत वन ऑफ द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स है, एक में क्या CH2SH है, एक में क्या CH2OH है, ठीक है। अब देखो सेरीन की स्पेलिंग कैसे स्टार्ट हो रही है, एस से। तो सेरीन की स्पेलिंग अगर एस से स्टार्ट हो रही है तो इसमें एस नहीं आएगा अब इसके स्ट्रक्चर में, तो क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। एंड साइटोसाइन की अगर सेरीन में ओ आ रहा है तो सिंपल है कि साइटोसाइन में फिर SH आ जाएगा। तो सिंपल सेरीन एंड साइटोसाइन क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है ना बहुत सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत सिंपल है, एंड सुप्रीम कोर्ट में एस स्टैंड फॉर सेरीन, सेरीन में पहले एस आ चुका है तो अपन उसके स्ट्रक्चर में एस लगाएंगे नहीं। एंड देन कमिंग ऑन टू साइटोसाइन, तो साइटोसाइन में फिर ओ एस आना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें सेरीन में OH आ गया था, तो ठीक है सेरीन CH2OH, देन साइटोसाइन वी हैव CH2SH। नाउ कमिंग ऑन टू टायरोसाइन, तो टायरोसाइन का स्ट्रक्चर तो यूं ही याद हो जाएगा कि वी हैव CH2 C6 H6। यहाँ पे हल्का सा कुछ एरर आया है, बाकी CH2 C6 OH, इट इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ टायरोसिन। एंड नाउ कमिंग ऑन टू PO, दैट इज प्रोलीन। तो प्रोलीन का स्ट्रक्चर दोस्तों जैसे मैंने बनाया ना वैसे ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे कि ये मैंने पूरा ही स्ट्रक्चर बना दिया है, अब यहाँ पे कोई ब्रांचिंग या कोई वैलेंसी बची हुई नहीं है, इस पूरे को ही अमीनो एसिड बोलते हैं। यहाँ पे आपको CH COOH और NH2 याद करने की जरूरत नहीं है। बुक्स में कई बार इसको आधा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो गड़बड़ हो जाती है और बहुत अजीब सा दिखता है। वी हैव सिंपल स्ट्रक्चर, एक पांच मेंबर रिंग है जिसमें नाइट्रोजन है, देन उसकी पांच मेंबर रिंग के एक कार्बन से COOH जुड़ा हुआ है एंड दूसरे नाइट्रोजन से H जुड़ा हुआ है। सो सिंपल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स तो काफी सिंपल ही है, GA 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 सुप्रीम कोर्ट टाइपो, या फिर गा 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 सुप्रीम कोर्ट टाइपो। सो दोस्तों ये थे अमीनो एसिड्स, हमने पहले अमीनो एसिड्स के टाइप्स पढ़ लिए, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, देन हमने उनको बाइफरकेट करके याद कर लिया, तो और उनके स्ट्रक्चर्स के साथ। तो अब मेरे को लग रहा है कि अब आपको कोई भी दिक्कत अमीनो एसिड्स रिलेटेड क्वेश्चन में तो नहीं आएगी, एंड इनसे आपके एडवांस के क्वेश्चन भी पक्का हो ही जाएंगे। तो ये था अमीनो एसिड्स का वीडियो, अगर आपको कोई और टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बियॉन्ड लिमिट्स, एंड आपके किसी भी दोस्त को अगर अमीनो एसिड्स में दिक्कत आ रही है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि उसके इस वीडियो को देखने के बाद तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन देयर, एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना यार। सो खूब पढ़ो और मचा दो।